वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो भाई हम फिर से आ चुके हैं मूनक्रेस्ट, जहाँ पे हमारी गाड़ी की होनी है सर्विस, मैपिंग, बहुत सारी चीज़ें होनी है जो कि ऑलरेडी हो चुका है, मोस्ट ऑफ द काम तो हो चुका है। बट मैं आपको उससे पहले कुछ दिखा देता हूँ। आज भाई के पास आई हुई है मस्टैंग सर्विस होने के लिए, तो मैं चाचा से बताता हूँ। चाचा बताओ यार क्या क्या खजाना है यार। ये बात तो है, काम में तो है मज़ा। तो आज मस्टैंग भी खड़ी है उधर, एंडीवर खड़ी हुई है उसने दिखाई थी, उधर जैगुआर खड़ी हुई है, ऑडी खड़ी हुई है, और आज तो यार पूरा पूरा पैक्ड है भाई। तो भाई मैं यही बोलूँगा, आप आओ यहाँ पे सर्विस कराओ, कोई शिकायत का मौका तो मिलना ही नहीं है। जब ऐसी गाड़ियाँ आती है ना तो भाई कुछ सोचो, छोटी गाड़ी तो भाई नॉर्मल चीज़ है। तो हम चलते हैं अपनी सीधी गाड़ी की तरफ कि गाड़ी में क्या क्या हुआ है। जो चाचा बताने वाले हैं क्या क्या कराया है, अभी क्या क्या रह गया है, और अभी गाड़ी हो रही है थोड़ी गंदी, तो चलते सीधे गाड़ी की। तो गाइस सर्विस करी है भाई, यहाँ पे मैकेनिक है बबलू भाई जो कि सर्टिफाइड है, ठीक है। तो बताएंगे भाई क्या क्या किया आपने गाड़ी में, ये डिटेल में बताओ थोड़ा सा कि एक एक चीज़ जो बारीक से बारीक चीज़ आपने करी है। हमने सबसे पहले तो इसका क्लच खोला है, तो क्लच काफ़ी डैमेज निकला था इसका, ठीक है। तो उसमें हमने क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, बैरिंग सब डाला है, प्लस गियर ऑयल भी नया डाला है इसके अंदर। दूसरा फिर आपके इंजन की सर्विस करी है पूरी कंप्लीट, ऑयल भी डाला है, ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर है आपका, एयर फिल्टर है, कूलेंट है, कूलेंट पूरा क्लीन करा हमने, रेडिएटर खोल खाल कर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एकदम, ठीक है जी। बाकी इंजन भी आपको बढ़िया तरीके से क्लीन कराया है, केमिकल डाल वाल के, फिर अपना ऑयल ऑयल भी बढ़िया कंपनी का जेनुइन डाला है इसमें। कौन सी कंपनी का वो डाला है आपने? बोल डाला आपने मोविल, मोविल हाँ, मोविल सिंथेटिक डाला है, सिंथेटिक हाँ। ये कितने किलोमीटर तक चलता है? ये आपका 15,000 तक भी आराम से ठीक देता है, लेकिन हम जल्दी सर्विस कराएंगे क्योंकि अपनी गाड़ी कंटिन्यू चल रही है, बिल्कुल है ना। और आपने ब्रेक वगैरह अगले भी पिछले भी चारों ब्रेक नहीं करे हैं, डाले डिस्क भी अपनी टर्न करवाई है आगे की भी और पीछे के ड्रम, टर्न करा के मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा खासा माल था उसके, काफ़ी माल था, बस हमने ही खुद ही कराया वो, जिससे कि इतनी लंबी चलेगी गाड़ी तो थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और क्या क्या किया है आपने? और बाकी आपका पूरा ओवरऑल कंप्लीट परचेस कर ही दिए। बस थोड़ा सा एक पब्लिक को ये बता दो कि मेजर सर्विस जो होती है उसमें क्या डिफरेंस है, और जो छोटी सर्विस माइनर सर्विस कराते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? मेजर में तो ये होता है कि अगर आपको लंबी गाड़ी चलानी है कहीं पहाड़ों वाड़ों में या लंबी लेके जानी है, तो उसके लिए तो मेजर सर्विस करनी पड़ती है, उसमें टोटल चीज़ ही जेन्युइन डालनी पड़ती है और प्लस महंगी भी अलग क्वालिटी की। और एक मेजर सर्विस, ये नॉर्मल सर्विस तो ऐसा होता है कि आपको 7-8,000 किलोमीटर पे करवानी है तो नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल उसमें तो नॉर्मल ही होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब बढ़िया चलेगी गाड़ी। अब मेरी गाड़ी चल रही है 25-30,000 किलोमीटर, कोई नहीं आराम से आराम से कोई दिक्कत नहीं, बस सर्विस कराओ 7-8,000 किलोमीटर बाद चलाते चलाते रहो, वो ऊपर वो अलग बात है, ऊपर वाले की ब्रेक पैड वगैरह सब चीज़ नहीं बनी, सब कुछ नया कंप्लीट। और पिछले शॉकर्स आपने चेंज किए? पिछले शॉकर वगैरह, पिछले बार पुराने वाले शॉकर में क्या हुआ था? शॉकर में लीक मार गए थे दोनों ही लोग, लीक मार गए थे, एक लीक पूरा हो चुका था, तो बट ये है कि सेट डालने में फायदा होता है, अब तो मतलब सस्पेंशन में मजा आएगा, मजा आएगा शुक्रिया भाई, बिल्कुल ठीक है। तो चाचा पूरा करा दिया आपने काम, अभी बचे अपना मैपिंग वगैरह बची है, अभी ग्राफिक्स हमने डालने हैं जो पेंटिंग होनी है, और उसके बाद एक जितना भी हमने जो इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है वो इंस्टॉल होना है, उसका सारी एप्लीकेशन होनी है, बाकी गाड़ी एकदम मैकेनिकल वाइज गाड़ी एकदम रेडी है जाने के लिए, ठीक है। गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कहीं से, जो भी एक मेजर सर्विस में मतलब कि हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी माइनर से माइनर चीज़ आपने, हाँ हमने माइनर से माइनर करी, गाड़ी का रन जो है लंबा है ना, 25-30,000 किलोमीटर टोटल गाड़ी चलनी है, जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे 30,000 प्लस ही चलेंगे, तो उसके हिसाब से हमने हर एक चीज़ को ध्यान रखते हुए ब्रेक से लेकर उसके शॉकर, सस्पेंशन, अंडर बॉडी में जितने भी बोल्ट होते हैं सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने इसे अच्छे से। चाचा एक बार बता दो सबको कि मेजर सर्विस अपने यहाँ कितने की होती है और बाहर कितने की होती है, और नॉर्मल सर्विस बाहर कितने की होती है और अपने यहाँ कितने? देखो नॉर्मल सर्विस लोग करने को ना सस्ते में भी करके दे रहे हैं, जैसे अभी वो मैकेनिक वालों ने बहुत सस्ती भी सर्विस करके दी, लेकिन कस्टमर को बस ये भी देखना चाहिए कि जब वो सर्विस करवा रहा है ना
तो प्रॉपर गाड़ी की सर्विस हो भी रही है या नहीं, ये नहीं हो रही है, या मैंने आपसे बोल दिया सर्विस हो गई तो उससे सर्विस नहीं होती है। जब हम नॉर्मल सर्विस की भी बात करते हैं ना, तो भी इंजन ऑयल परफेक्ट चाहिए रहता है गाड़ी में, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं एक नॉर्मल सर्विस की। अगर नॉर्मल सर्विस आज की डेट में बात करें किसी भी हम गाड़ी में अगर करने जाते हैं तो 4-5 हज़ार रुपये खर्चा होता है, ठीक है। अगर आप 2-2.5 हज़ार रुपये में नॉर्मल सर्विस करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो इंजन ऑयल डाल रहे हैं उसकी ग्रेड हल्की होगी, बहुत ही हल्का इंजन ऑयल होगा, ठीक है, इंजन में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है उस चीज़ में आपको मज़ा नहीं आएगा, गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी क्या रहती रहती है। लेकिन हम अगर अच्छा ऑयल रखेंगे सब चीज़ रखेंगे तो अपना क्या कॉस्ट है जो कस्टमर को पड़ेगी? मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 5-6 हज़ार रुपये पर गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी में, मतलब कि जो आई वी टैक वगैरह होती है पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का मोबिल का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम जब सर्विस करते हैं तो हम उसके एसी फिल्टर ऑयल फिल्टर जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी करके देते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि 2-3 हज़ार में सर्विस हो जाएगी तो आदमी एक माइंड मेकअप कर लेता है कि जी मेरी गाड़ी में इतने पैसे लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम उन्हें एक एस्टिमेट दे के चलते हैं कि आप 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा मान के चलना, अगर वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई तो हम डालेंगे। अगर हम जो चीज़ मेरे से बोली थी जी जी, अगर हम बाद में वो कस्टमर से बोलते हैं तो कस्टमर बोलता है सर आपने तो इतने पैसे बोले थे, तो मार्केट में लोग क्या है, लोगों को बोल रहे हैं कि हम इतने में करके दे देंगे, वो करके भी दे देते हैं लेकिन वो क्या करके देते हैं ऊपर वाला करते हैं। अगर आप वाकई में ये बोल रहे हो कि मैं सर्विस करके दे रहा हूँ आपको जेन्युइनली और आप सामान लगा रहे हो तो आप कस्टमर से पैसे लोगे बिल्कुल, और आप अगर कस्टमर से पैसे नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप किसी उसके कुछ ना कुछ सामान में झोलझाल कर रहे हो, क्योंकि आप खुद देखो ना मार्केट में हर चीज़ की रेट लिस्ट है सारी चीज़ें, कस्टमर स्मार्ट है उसे पता होना चाहिए कि हम सर्विस के क्या पैसे ले रहे हैं। ज़्यादा से 1000-2000 रुपये लेबर होती है, अगर वो भी अगर गाड़ी में कोई काम निकला है नॉर्मल सर्विस के 1000-1500 रुपये तो। लेकिन भाई अपना सर्विस को सिता है नहीं क्योंकि अपनी है पूरी स्पॉन्सर्ड बाय मून ट्रस्ट, ठीक है, तो अपनी सर्विसिंग पूरी भाई स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं भाई, और रैपिंग मैपिंग वगैरह सब कुछ तो भाई ने अपनी तरफ से किया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा भाई आओ 117 सेक्टर में नोएडा में भाई वर्कशॉप है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी ऑन टाइम, आपको ज़्यादा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर नोएडा से हो दिल्ली से हो तो मस्ट विजिट है मून क्रेस्ट ओनली, ठीक है। तो गाइज आई होप ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को, जल्दी से मिलता हूँ इंडिया टूर पर, तब तक के लिए अल्लाह। We'll be right back.